हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। सो आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स को ग्रो करता है टेस्ट ट्यूब में। सो न्यू प्लांट्स इन दिस टेक्निक न्यू प्लांट्स आर ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। एक छोटा सा पोर्शन दिया जाता है प्लांट का, स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट, प्रेफरेबली फ्रॉम द मेरिस्टमेटिक रीजन of root tip or shoot tip is kept in a nutrition medium in a test tube. एक nutrition medium में उस small part of plant को nutrition medium में test tube में रखा जाता है। कुछ दिनों बाद एक undifferentiated mass of cell develop होगा, उसको हम लोग बोलते हैं callus। वो कुछ ऐसा होगा, ये मैंने picture ड्रॉ की callus। फिर ये कैलस ट्रांसफर कर देंगे दूसरे न्यूट्रिशन मीडियम में, जहां पे ये छोटे छोटे प्लांट्स प्लांटलेट्स ग्रो होंगे विद रूट एंड शूट डेवलप होंगे। फिर ये जो एक एक ये है प्लांटलेट्स, फिर ये जो एक एक प्लांटलेट्स है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सॉइल में टू डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट, टू डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट। मतलब फिर ये एक एक सॉइल में जब हम लोग प्लांट कर देंगे तो ये एक एक अलग अलग इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएंगे। ये जितना भी प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में किया जाता है वो पूरा जर्म फ्री एनवायरनमेंट में किया जाता है। और इनके एग्जांपल्स है बनाना, कॉफी, ऑर्किड्स, ये सारे इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन चाहे हम लोगों ने आर्टिफिशियली किया हो या फिर नेचुरली किया हो, चाहे बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जैसे भी किया हो, उसमें जो पैरेंट प्लांट है उसी को हम लोगों ने यूज करके डॉटर प्लांट बनाया। सो जो कैक्टस होंगे, अगर हम लोग स्टेम से भी कर रहे हैं तो वो जो कैक्टस स्टेम के वो उस प्लांट में डॉटर प्लांट में जाएंगे, तो इसमें जो कैक्टस है वो रिटेन होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द पैरेंट प्लांट आर रिटेन्ड इन द डॉटर प्लांट। ठीक है, और ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड है वो बहुत ही फास्ट मेथड है ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। थर्ड वन इज, इट इज द मोस्ट सर्टन मेथड ऑफ प्रोपगेशन एज दिस मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल एजेंट। ये बहुत ही सर्टन मेथड है प्रोपगेशन का, क्योंकि ये वाला मेथड किसी भी एक्सटर्नल एजेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप लोग ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रिपरेशन। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, दिस इज ओवरक्राउडिंग एज नो डिस्पर्सल ऑकर्स। इसमें कोई भी डिस्पर्सल ऑकर नहीं होता है। सेकेंड वन इज, सिंस द डॉटर प्लांट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट देर इज नो वेरिएशन। हम लोगों ने देखा जो पेरेंट प्लांट और जो डॉटर प्लांट होगा वो दोनों बहुत ही आइडेंटिकल होंगे। अगर वो दोनों आइडेंटिकल हुए तो फिर वेरिएशन नहीं होगा। सो देयर इज नो वेरिएशन, ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज। एंड थर्ड वन इज, हम लोगों ने एडवांटेज में देखा इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन होंगे पेरेंट टू डॉटर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स रिटेन होंगे तो जो डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट होगा वो भी ट्रांसफर होगा टू द डॉटर प्लांट। कैरेक्टर्स के साथ साथ जो पेरेंट प्लांट के डिजीज होंगे वो भी ट्रांसफर होंगे टू द डॉटर प्लांट्स। ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट कर लिया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।